नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल 2। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूं कि DSSSB के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फीस के अराउंड में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इवन स्पेशल एंटिटी लाइब्रेरियन, सभी के लगभग नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, और कुछ नोट्स ऐसे हैं जो मार्केट में भी आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम 3 पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कंपटीशन रह सकता है। और आपको मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा कि एक पोस्ट के लिए लगभग कितने कैंडिडेट्स हैं, और कुछ का आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। तो भाई मैं आपको बता देता हूं मैं कौन कौन सी पोस्ट के बारे में बात करूंगा। 42/21, 44/21, 47/21, ठीक है। तो ये पोस्ट कौन सी हैं? असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जो DOE के अंदर वैकेंसीज आई थी, इसका पोस्ट कोड है 42/21। इसके बाद है 44/21, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट LDG, और इसके बाद तो 47/21 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। ये वैकेंसीज किस में आई थी? न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, मतलब NDMC शॉर्ट में बोल सकते हैं, NDMC अलग भी है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो 42/21 पोस्ट कोड है, इसमें कितनी वैकेंसीज थी? 434, ठीक है, 34। ये DOE के अंदर वैकेंसीज थी। और इसके बाद जो 47/21 है उसमें 120 वैकेंसीज न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर वैकेंसीज थी। इसके बाद जो ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट LDC, इसमें 278 वैकेंसीज थी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले 42/21। तो भाई इसमें कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें UR कैटेगरी में 46,998 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, OBC में 21,675, इसके बाद SC कैटेगरी में 24,782, EWS कैटेगरी में 6,084, ST कैटेगरी में 3,705 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो भाई अगर हम बात करें तो ये लगभग 1,20,000 के लगभग कैंडिडेट्स बन जाते हैं। तो आप मान के चल सकते हैं एक पोस्ट के लिए 276 कैंडिडेट्स हैं। अब हो सकता है, देखो सारे बच्चे सीरियस नहीं होते, ये आपको भी पता है, लेकिन अगर हम मान के चलें कि भाई 3 में से 1 बच्चा तो ऐसा होगा जो सीरियस होगा, तो हम मान के चलते हैं 90 ऐसे बच्चे होंगे जो सीरियस होंगे पढ़ने वाले। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन किस लेवल का है। मतलब सीरियस अगर बच्चे हम लगाएं 3 में से, मतलब 1 बच्चा तो पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो 90 ऐसे बच्चे हैं जो आपको टक्कर देंगे। 90 भी नहीं, आप 50 बच्चे भी लगा लो तो 50 बच्चों से आपकी लड़ाई है। लड़ाई का मतलब यह है कि आपका कंपटीशन है। तो आप मेहनत करिए और प्रिपरेशन करिए। प्रैक्टिस सेट वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हमने एक बुक भी निकाली फर्स्ट उसके लिए, तो ओनली 74 रुपीज़ में, मतलब इस सैटरडे तक, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 44/21, जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट LDC, 278 पोस्ट हैं। तो इसमें भाई इसमें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो UR कैटेगरी में 118,705 कैंडिडेट्स, इसके बाद है OBC कैटेगरी में 46,757, SC कैटेगरी में 74,551, EWS कैटेगरी में 13,248, और इसके बाद ST कैटेगरी में 20,117। इसके बाद हम बात करते हैं, और अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। डेली आपको फ्री करंट अफेयर भी मिलती है, तो वहाँ पे हम ये नोटिस वगैरह दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी तो मैं वैसे बता रहा हूँ, नोटिस आपको वहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जुड़ जाइए। इसके बाद बात करते हैं 47/21, और भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, बहुत सारी चीज़ें देखो आपके सामने हम लिख भी रहे हैं, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब आपको करना चाहिए, ठीक है, और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकें। तो भाई 47/21 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें
यूआर कैटेगरी में 34,396, ओबीसी में 14,794, इसके बाद है एससी कैटेगरी में 14,318, ये लगभग बराबर से हैं इसमें, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3,97,97, एसटी कैटेगरी में 2,222, 2222 मतलब 4×2। तो भाई ये अपडेट है आप लोगों के लिए, और इसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि भाई पीआरटी में बीएड वालों को भी इंक्लूड किए जाने की बात चल रही है, तो अगर बीएड वाले आ गए तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन क्या होगा। बीएड वाले तो भाई देखो अपने आप में ख़ासतौर पे मैथ और रीजनिंग, जिनका मान के चलो मैथ रीजनिंग सब्जेक्ट है, वो आपको बहुत टक्कर देंगे। मान के चलो किसी का बीएड किसी ने हिस्ट्री से किए, पॉलिटिक्स से किए, तो उनका मेरे हिसाब से इतना कोई कंपटीशन नहीं मान सकते आप मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि 40 नंबर का सीधा फर्क पड़ता है, और जिनके भाई मैथ और रीजनिंग ही सब्जेक्ट है तो वो तो क्या छोड़ेंगे, समझ रहे हो आप मेरी बात। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा, मेन है कि आप मेहनत करें, और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो क्वालिटी टीचर जाएंगे, क्वालिफाइड टीचर्स, और क्वालिटी जाएगी। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू, जय हिंद।